तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस, आप कुछ इस तरीके का न्यू लव स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए करने क्या है, सबसे पहले गाइस आपको अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ऐप ओपन करने के बाद ही आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे 16x9 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 16x9 का साइज सिलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और एडिटिंग पे आ जाना। एडिटिंग पे आने के बाद ही आपको यहाँ पे नीचे फुल स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है। फुल स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद ही आपको इसकी डिफिकल्टी ड्यूरेशन आपको यहाँ पे 2 पॉइंट कर लेनी है। तो 2 पॉइंट करने के बाद ही आपको करने का सिंपली यहाँ पे करना है टिक। टिक करने के बाद ही आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद ही आपको करने का है सिंपली अपनी यहाँ पे कुछ कपल पिक ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस, आप जो भी अपनी पिक ऐड करना चाहें तो इस तरीके से आपको अपनी कपल पिक ऐड कर लेनी है। पिक ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है टिक। टिक करने के बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है और आपकी जो भी पिक सही से ऐड ना हो तो पिक के ऊपर क्लिक करना है और इस पैन जूम का ऑप्शन पे क्लिक करके इक्वल करके इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन पे सही से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस इन सभी पिक को अपनी जल्दी से करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा गाइस देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपनी सभी पिक को सही से ऐड कर दिया है। सही से ऐड करने के बाद ही आपको करने क्या है, सिंपली आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद ही आपको करने क्या है, इन सभी पिक का आपको यहाँ पे इस तरीके से वैगनेट ओपन कर देना है। तो आपको अपनी पिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे वैगनेट पे जाके इस तरीके से आपको अपनी सभी पिक का वैगनेट ओपन कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैंने कुछ इस तरीके से इन सभी पिक का मैंने वैगनेट ओपन कर दिया है। वैगनेट ओपन करने के बाद ही आपको करने क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद ही आपको करने के सिंपली आपको इन पे ट्रांजेक्शन ऐड कर देने हैं। ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए आपको इस व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है और व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही आपको नीचे गेट मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ये क्रोसेंट वाइप वाला ट्रांजेक्शन डाउनलोड कर लेना है। तो क्रोसेंट वाइप वाला ट्रांजेक्शन डाउनलोड करने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये पहले नंबर का सिलेक्ट कर देना है और फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से इसी वाले ट्रांजेक्शन पे जाके दूसरे नंबर का सिलेक्ट कर देना है और फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से क्रोसेंट वाइप वाले ट्रांजेक्शन पे जाके तीसरे नंबर का सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको अपनी सभी व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है और इन सभी पे आपको नंबर वाई नंबर इस क्रिसेंट वाइप वाला ट्रांजेक्शन को आपको इन सभी पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैंने कुछ इस तरीके से इन सभी पे वाला ट्रांजेक्शन ऐड कर दिया। ट्रांजेक्शन ऐड करने के बाद ही आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे अपनी सभी पिक की लेंथ को हल्का हल्का सा आपको यहाँ पे छोटा कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इन सभी पिक की लेंथ को इस तरीके से हल्का हल्का छोटा कर दे रहा हूँ। अगर आपको अपना वीडियो बड़ा बनाना है तो आप अपनी पिक की लेंथ को छोटा ना करें, आप अपनी पिक की लेंथ को और बड़ा कर लें। तो यहाँ पे मैं गाइस आपको डेमो के तरीके बना के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी सभी पिक की लेंथ को हल्का हल्का छोटा कर ले रहा हूँ। छोटा करने के बाद ही आपको करने के सिंपली इस वीडियो का लेना सेव। सेव करने के लिए आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे ये वाला शेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे 1080 रेशो सेलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे ही लाइनिंग पूरी हो जाएगी तो गाइस आपका वीडियो इनके गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो जैसा गाइस देख सकते हो, वीडियो इनके सेव हो गया। सेव होने के बाद ही आपको यहाँ से हो जाना है बैक। बैक होने के बाद ही आपको यहाँ पे फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे 16x9 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 16x9 का साइज सिलेक्ट करने के बाद ही आपको फिर से सेटिंग पे क्लिक करना है। एडिटिंग पे आना और यहाँ पे फुल स्क्रीन सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे इसकी डिफिकल्टी ड्यूरेशन आपको 3 पॉइंट कर लेनी है और यहाँ पे आपको कर लेना है टिक। टिक करने के बाद आपको मीडिया पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे अपनी 3-4 पिक को फिर से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आप जो भी अपनी 3-4 पिक ऐड करना चाहे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी 3-4 पिक को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी 3-4-5 पिक ऐड कर दी। ऐड करने के बाद आपको करने के सबसे पहले तो आपको अपनी पिक देख लेना है सही से ऐड है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरी सभी पिक सही से ऐड है। सही से ऐड होने के बाद ही आपको इन सभी का आपको यहाँ पे वैगनेट ओपन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपनी सभी पिक को आपको यहाँ पे वैगनेट ओपन कर देना है। वैगनेट ओपन करने के बाद ही आपको करने के इन पे भी आपको ट्रांजेक्शन ऐड कर देने हैं। ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए आपको इस व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे क्लासिक ट्रांजेक्शन पे जाके आपको ये जूम आउट वाला ट्रांजेक्शन ऐड कर देना है और फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नीचे को आना है और नीचे प्रेजेंटेशन पे जाके ये स्लाइड वाला क्लिक कर देना है और फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे नीचे क्लासिक ट्रांजेक्शन पे जाके ये जूम आउट वाला सिलेक्ट कर देना है। तो इसी तरीके से आपको
इन सभी व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन पे जाके स्लाइड पे जाके इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरीके से इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करना है टिक। टिक करने के बाद आपको करने के दोनों पिक के लिए इनको हल्का सा आपको इस तरीके से बढ़ा देना है और बढ़ाने के बाद आपको करने के सिंपली आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अगर इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपके थीरोड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद आपके इसके ऑडियो ऑप्शन पे जाके इसके ऑडियो आपको म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद आपको नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे आ जाना है और आपको इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ से हो जाना है बैक। बैक होने के बाद आपको करने के सिंपली एडजस्टमेंट पे जाना और इसका कॉन्टेक्स्ट और इसका ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे करना है टिक। टिक करने के बाद आपको सिंपली फिर से लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेना है जो वीडियो आपने अभी एक्सपोर्ट किया था। सिलेक्ट करने के बाद आपको करने के इस तरीके से इसको रोटेट करके आपको यहाँ पे इस वाले फ्रेम के अंदर इस तरीके से आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे इसको हल्का सा और छोटा कर देना और छोटा करने के बाद आपको इस थीरोड क्लिक करके इसको आपको सेंड बैक कर देना है। सेंड बैक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको इसके लास्ट का ऑप्शन पे आना और यहाँ पे एक पिक की लेंथ को हल्का सा और आपको बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपको करने के सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस टेम्पलेट वीडियो ऊपर क्लिक करना और टेम्पलेट वीडियो ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस कैंची का ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम टैड प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। एक्स्ट्रा वर्क कट करने के बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक वाली टेक्स्ट पीएनजी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको करने के थीरोड क्लिक करना और इसको आपको सेंड बैक करके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको इसकी लेंथ को लास्ट तक ले जाना है। लेंथ लास्ट तक ले जाने के बाद आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको करने के फिर से लेयर पे क्लिक करना और मीडिया पे चले जाना। मीडिया पे जाने के बाद आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे एक ये वाला फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद आपको इस थीरोड क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पर ऐड कर देना है और इसकी लेंथ को आपको लास्ट तक ले जाना है। लेंथ लास्ट तक ले जाने के बाद आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे इस पर एक ऑडियो ऐड कर लेना है। तो ऑडियो ऐड करने के लिए आपको ऑडियो के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको कोई भी ऑडियो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक ऑडियो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ऑडियो सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके लास्ट के ऑप्शन पे आना है और इस ऑडियो के ऊपर क्लिक करके कैंची के ऑप्शन में क्लिक करना है और ट्रिम टू ऐड प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर लेना है। एक्स्ट्रा भाग कट करने के बाद गाइस देख सकते हो वीडियो इनकी कम्प्लीटली तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ये किस तरीके से बना है। तो जैसे गाइस देख सकते हो वीडियो काफी कमाल का बन गया है। तो गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 1080 रेशियो सेलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना।